You are watching Gully News. Hello and welcome back to Gully News. मैं हूँ अलीशा चंद्राकर और आज की खास खबर है, अभी तक आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क के किसी एक ट्वीट से बिटकॉइन के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी गिर जाते हैं, कभी किसी के शेयर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अब कुछ सॉफ्ट ड्रिंक दिग्गज कोको कोला के साथ हुआ है और ये फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए दो शब्द के संदेश के कारण हुआ है। जी हाँ, रोनाल्डो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा किया कि कोको कोला कंपनी के शेयर करीब 30,000 करोड़ रुपए तक गिर गए हैं और कंपनी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। इस वक्त फुटबॉल का सीजन चल रहा है और यूरो कप खेला जा रहा है। इसी बीच पुर्तगाल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जैसा कि वह हर मैच के पहले और बाद किया ही जाता है। रोनाल्डो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली टेबल पर आए और वहां पर माइक के पास दो कोको कोला की बोतल और एक पानी की बोतल रखी देखी, तो रोनाल्डो ने वहां रखी दोनों कोको कोला की बोतलों को हटा दिया और पानी की बोतल उठाकर कहा, ड्रिंक वाटर। बस 25 सेकंड के इस पूरे वाक्य का असर था कि कोको कोला के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और करीब $4 बिलियन तक गिर गए। जानकारी के मुताबिक यूरोप में दोपहर 3 बजे मार्केट खुली थी। इस वक्त कोको कोला के शेयर का रेट $56.10 था। आधे घंटे के बाद रोनाल्डो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके कुछ देर बाद ही कोको कोला के शेयर गिरने लगे और सीधा $55.22 तक पहुंच गए। तब से लगातार कोको कोला के शेयर में उतार चढ़ाव जारी है। खैर, हर किसी को पता है कि रोनाल्डो की गिनती दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से होती है। सोशल मीडिया हो या फुटबॉल फैंस, उनकी चाहने वाले हर कहीं हैं। ऐसे में रोनाल्डो द्वारा दिया गया एक हल्का सा संदेश ही कोको कोला के लिए काफी महंगा पड़ गया। रोनाल्डो हमेशा से ही फिटनेस को लेकर संदेश देते आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नई निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए गली न्यूज के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद जय भारत। You are watching Gully News.